आनंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उपस्थित मंचासीन साधु संतंकु प्रणाम जनाए तास आज रही साधु संत सम्मेलन रे ज्ञान यज्ञ रे उपस्थित होइथिबा समस्त मां भोनी माने पृथ्वीर आभ्यंतरिक बाहिक आभूषण वन गिरी पहाड़ समुद्र हृद वृक्षलता कीट पतंग पशु पक्षी खनिज संपद खनिज तैल को नहीं सुशोभित आच्छादित विस्तृत सेपरि भारत वर्ष साधना तपस्या सेवा आध्यात्मिक ज्ञान देव अवतरण भूमि रूप से मुकुट मंडित एवं सुपूजित भारतीय आद्य परंपरा कृषि परंपरा भारतीय आद्य उत्पादन कृषि उत्पादन भारतीय आद्य व्यवसायकरण कृषिजात द्रव्य रु ही आरंभ होता एवं से कृषिजात द्रव्य को उत्पादन करने अतीत गोवंशंकर साहय सहयोग निला बर्तमान से गोवंशंकर साहय सहयोग एवं समाज रे तत्कालीन समय रे समाज रे व्यक्तिर व्यक्तित्व आधिपत्यता सामाजिक प्रतिष्ठा निज पाखे गच्छित स्थगित गोधन आकलन को नहीं तार समृद्धि को निर्णय करा जदि वर्तमान गोवंशंकर उचित व्यवहार करा जाय परिबो गोवंशंकर सचेतनता आम जब हो पारा तो गोवंश द्वारा निश्चित भाव सामाजिक क्षेत्र रे संस्कार आर्थिक उन्नति क्षेत्र रे निश्चय सहज हो पार गोवंश देशर चेतन चेतन धन चेतन धनर सुरक्षा तार प्रचार प्रसार करिबा आध्यात्मिकतार मंगल चरण हिंदू धर्मर श्रेष्ठ मर्माकार आम ग्रहण करिथाउ नामे विश्वास जीवे दया भगवान को प्राप्त करिबा पाई भगवान को ठारो भगवान नाम ही श्रेष्ठ एवं जीव प्रति दया भाव सेवा भाव करिबा द्वारा एक सुस्थ समृद्ध श्रेष्ठ राष्ट्र आकार रे आम गठन करि पारिबा तबे कौन गोमातांकर प्रति से सेवा भाव से दया भाव आम कर्तव्य परणता ठीक रही कि चिंता करा जाओ निजर विवेक को कहीं बरम गोमाता आम प्रति दया कर सर्वदेव सर्वदेवी सर्वतीर्थ दान धर्म को निज पंचभूत शरीर धारण करी पृथ्वी से चल प्रचल होमें गोमाता सेवा कहीं ठीक से करना ये प्रथम कारण हूँ तार पश्चम्य विदेशी संस्कृति निज जीवन रे अनुसरण एवं आचरण जहाँ कि मुख्य कारण गोटे कथा मन रखा पड़ पश्चिम जगतर अनुसंधानकारी माने अर्थात वैज्ञानिक माने से माने अनुसंधान करती बाहिक सुख पाई दैहिक सुख पाई तेणुकरी से मानकर जीवन रे एकमात्र लक्ष्य होता है अर्थ उपार्जन करिबा सुख भोग करिबा किंतु भारतीय आध्यात्मिक साधु संत महात्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा जीवन उत्सर्ग को तपस्या करी विश्रृंखलित व्यतिव्यस्त विचलित मन को श्रृंखलित करिबा संस्कारमय करिबा साधना युक्त करिबा एवं प्रत्येक भारतवासी मानंकर भितरे सर्वे भवन्तु सुखिनार मंत्रर बीजर बपन करि पारिचन्ते ए होची भारतीय आध्यात्मिक मनुष्य मानंकर तत्व ज्ञान र कथा आम पश्चिम जगत विदेशी माने देह संस्कृति को विश्वास करथुवा बेले भारतीय माने देव संस्कृति को विश्वास करते आम को शिक्षा दिये आम विश्वास करू जल स्थल वन गिरी आकाश तुम्भ नीला सबुठारे प्रकाश आम सबुठारे भगवान सत्ता को अनुभव करू एवं सबुठारे भगवान को विश्वास करू हिंदू धर्म को आम अनुभव करवा हिंदू धर्म देवा देवी को आम जब अनुध्यान करवा प्रत्येक देवा देवी पाखे गोटे गोटे बाहन रही बाहन होती पशु आ पक्षी तेरे से हिंदू धर्म देवादेवी आम देवादेवी आम कौन शिक्षा दिखती ना समतार कथा ज्ञान रे कथा
पुणी भारतीय संस्कृति गो माता संस्कृति भारतीय गो आध्यात्मिक सेवा सहिष्णु त्यागर पाठ आमको पढ़ाई थाए भारतीय समाज रे गो माता पशु बोली आख्या दिया जाए न थाए गो माता माता बोली कह जाए थाए तिलम ना धन्यम पशव ना गवाह तिल जमी धान्य हो पारे ना से गोमाता पशु हो पारे ना गोमाता साक्षात माता स्वरूपिणी गोमाता प्रादुर्भाव कथा निश्चित भाव रे किसी ना किसी श्रवण करेंगे जानी थे देव दानव मान जो अमृत संघर्षण घटी से संघर्षण उत्पादित होता चौद प्रकार रत्न से चौद प्रकार रत्न मध्य तीन प्रकार रत्न श्रेष्ठ से तीन प्रकार रत्न हूं प्राणी रत्न गोटे है ऐरावत हस्ती उच्छिश्रवा अश्व एवं कामधन रूपी गोमाता से गोमाता को पांच भाग विभक्त करा जहां नंदा सुरभि सुभद्रा सुशीला तथा बहुला नंदा जहां को आम नंदी रूप से पूजा करी थाओ एवं ऐरावत आ उच्छश्रवा एमाने भगवान इंद्रंक पाखु को चली गले आउ जहा रहिला चारि प्रकार रो गोमाता से गोमाता भगवान श्रीकृष्णंकर पाखरे रहिले भगवान श्रीकृष्ण सदा सर्वदा गोमातांकर सेवा गोमातांकर उत्पादित द्रव्य को पाइबा पई व्याकुलित एवं भागवत रे वर्णित मध्य रहिछि गोमा जक्ष गीतारे श्री युधिष्ठिर महाराज को जक्ष पचारुचंति किम अमृतम हे युधिष्ठिर अमृत कौन अमृत कौटी रही तार उत्तर रे युधिष्ठिर महाराज कहते गवा अमृतम जदि संसार रे किसी अमृत रही जदि संसार रे किसी अमृत सार रही से हूँ गदुग्ध गदुग्ध व्यतीत संसार रे किसी अमृत ना प्राचीन वेद उपनिषद महाभारत पद्म पुराण भविष्यस्थिता देहे सर्वदेव मयि अर्थ सर्वदेवता सर्वदेवी सर्वदान धर्म तीर्थ केउटी विराजमान करिछि ना से होचि गोमातांकर शरीर भितरे विराजमान करिछि प्राचीन काल रे राजा महाराज माने बहु संख्यक हजार हजार संख्यक गो पालन करथुले अपन माने एक कथा को श्रवण करथिले वृषभानु जे की दस लक्ष गोमाता को पालन करथिले नंद बाबा नौ लक्ष गोमाता को पालन करथिले उपनंद जे की पांच लक्ष गोमाता को पालन करथिले महाभारत रे वर्णित रही सदेव सुंदर दिव्य गुण कथा प्रकाश करिचंते केवल गोमाता मूत्र आघ्राण द्वारा अर्थात सुंघिवा द्वारा जो मानकर बंध्या दोष रही जो मान सुंघिवा द्वारा से दोष को नष्ट हो जाए थाए आयुर्वेद शास्त्र अनुसार एक कथा मध्य उल्लेख करा जाए छि केवल धड़ा गाई गोमाता दुग्ध पान करने द्वारा शरीर यकृत रोग जनित बीमारी जहाँ रही नष्ट एवं बादामी रंगर जदि गोमाता दुग्ध पीवा ताहले बात रोग नष्ट कला गाईर दुग्ध जदि पान करवा ताहले श्वास रोग भल हो पार लाल गाईर जदि आम दुग्ध पान करवा ताहले हृदय जनित समस्त रोग को आम भूल कर गोमाता गोबर से बैक्टीरिया फोज नामक एमती एक जीवाणु रही जहाँ कि हानिकारिक जीवाणु मान को नष्ट कर दे था तेणुक आम आध्यात्मिक मुनषी मान साधु सन्त महात्मा मान पूजार आरंभ से गोमाता उपयोगिता वर्णना कर गाँव में देखुवे वर्तमान मध्य केतक गोमाता गोशाला रही गृहर प्रथम भाग में गोशाला रखा जाऊला कहीं रखा जाऊला गोमाता गोबर द्वारा गोमाता गोमूत्र द्वारा ए प्रकार रसायन तत्व रही जहाँकि मनुष्य शरीर को दीर्घजीवी कर मनुष्य शरीर जहाँ सब रोग रही थाए नष्ट कर गोमाता गोबर से छेरा पहरा आज पर्यंत करा कहीं द्वारा समस्त प्रकार जीवाणु कीटाणु मध्य नष्ट हो पार जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण गोमाता गो सेवा करने प्रातःर जाती सन्ध्यार फेरती गोपपुर गोपी गोपाल एवं गोमातार चतुर्पाश्वर से घेरी रही था कहीं से गोमाता अति प्रिय भागवत वर्णित रही गोकर्ण नामक एक संतान गोमाता शरीर रो जन्म ग्रहण करते जहाँकि निजर वंश को उद्धार कर पारे निजर भाई जे जार नाम दुंदिकारी से एमती अपवित्र कर्म करते प्रेतात्मा जनित जनि कष्ट उद्धार कर
शास्त्र रे वर्णित रही गो वेद ओंकार द्वादशाक्षर मंत्र गायत्री भागवत श्रवण तुलसी पूजा द्वारा जो पुण्य फल प्राप्त होता है से पुण्य फल केवल गोमाता सेवा द्वारा ही प्राप्त हो पारे केते आनंदर कथा केते सहज कथा केवल गोमाता पूजा द्वारा गोमाता सेवा द्वारा आम प्राप्त कर पारिबा। भगवान श्रीकृष्ण जेते बेले पुतना इत्यादि को बद्ध कले राक्षसी को बद्ध कले माँ यशोदा चिंता कले मो पुत्र को किसी दुष्टि पड़ी थी राक्षसी दुष्टि पड़ी थी तेणु से भगवान श्रीकृष्ण को गोशाला को नहीं जाते प्रथम गोमूत्र स्नान कराइले गो गोबर द्वारा स्नान कराइले गो चरण धूली भगवान श्रीकृष्ण मथार लगे एवं गो लांज द्वारा भगवान श्रीकृष्ण शरीर को झाड़ी दे चिंता करा जो से गोमाता आवश्यकता से गोमाता सेवा द्वारा मनुष्य कौन जा कौन न पाई गो सेवा गो पालन विश्वर समस्त देवा देवी पूजा सहित समान होता है सर्वदान धर्म तीर्थ श्रेष्ठ स्वरूप गोमाता ही अटंती। हरिद्वार सुंदर घटित घटना जन हरिद्वार साधु सहित मोर साक्षात होता से हृदय कथा कहते बंबईर किसी सुशिक्षित एवं उच्च शिक्षित परिवार हरिद्वार जाते से साधु सहित साक्षात करने आश्रम बसी था हटात आश्रम गोमाता मान गोशाला को प्रवेश करिगले जेमिति गोशाला को गोमाता मान प्रवेश करिचंती आश्रम भितर को बम्बे रो परिवार जो आसीथिले से परिवार रे थिले केते को छुआ से गोमाता को देखि विचलित भयभीत एवं पार्श्वर थिबा एक कक्ष भितर को प्रवेश करी कंदन करिथिले गोमाता गोशाला रे प्रवेश करिबा पर साधु जी महाराज पचारिले अरे भाई तुम संतान माने काही कि क्रंदन करुचंती कोन हैला तो महाराज बम्बे रु आसीथिबा परिवार माने कहउचंती महाराज बड़ दुखर कथा बड़ अशांतिर कथा मोर संतान माने केबे गोमाता को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करी नहंती केवल केवल टीवी रे एवं फोटोचित्र रे दर्शन करिचंती ताहा मध्य कार्टून रूप से चिंता करा जो अवस्था कौन होची आम एमितिया लोक आम 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 धर्म को केमिति विश्वास करू ना टीवी रे आम आम देवा देवी को कार्टून रूप से पूजा करी था ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहे ना मेरे साथ हमेशा आमर हिंदू धर्म आम छोट छोट छुआ मान भगवान को शिव को गणेश को कार्टून रूप से जब दर्शन करेंगे तांको मन भितर के आध्यात्मिक भावना के आध्यात्मिक चिंतन जाग्रत हो आम स्वीकार दे थाऊ प्रश्रय दे थाऊ आमर पिला को डाक कहू आसे देखू कृष्णा दौचे आसे देखू शिव दौचे शिव भगवान को कार्टून कर दौ ये आम उच्च शिक्षित विकास ना आम विनाश कारण आड़क जाऊ गो सेवा गो पालन द्वारा सब किछ संभव हो पार वर्तमान परिस्थिति रे पादे 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 मधुशाला निर्माण हो जाद्वारा समाज रे उत्पात समाज रे मनुष्य विकास शक्ति विचार शक्ति नष्ट किंतु जदि गोशाला निर्माण हो पारंता तबे समाज रे सात्विक गुण विकसित हुआ आर्थिक समृद्धि वृद्धि पाईपारंता देश में शांति मैत्री गठन हो पारंता गोमाता मूत्र रे एपरी एक गुण रही कैंसर नामक रोग को मध्य भल कर तेरे ही आम दूरे चलीचे गोटे कथा भारतीय पशु धन रिसर्च सेंटर रु गोटे तथ्य तथ्य प्राप्त करी वर्तमान भारत जेते प्रकार पशुधन अच्छा से मानकर संख्या 28.5 कोटी ता केवल गोमाता धन गोमाता संख्या रोचे 19.6 कोटी जेते पशु रही समस्त पशु रही समस्त गोमाता संख्या अधिक एवं भारत वार्षिक दुग्ध उत्पादन संख्या केते हुए ना 8.8 कोटी मेट्रिक टन एवं गोमाता वार्षिक को जड़े गोमाता 40-45% दुग्ध दे था एवं पूजा कार्य 50-60% व्यवहार होता है तेरे चिंता करा जाओ गो दुग्ध केते आवश्यकता रही सकाळ रो संध्या पर्यंत बेड टी रु आरंभ करी राति रु सोइबा पर्यंत आमको दरकार केऊ ना केऊ रूप रे से चार रूप रे हो सलाड रूप रे हो दही रूप रे हो लोहणी रूप रे हो सब बड़े
सबु समय आम गोमाता सहित जड़ित रही रोचु गोमाता उत्पादित द्रव्य सहित आम जड़ित रोचु किंतु बड़ दुखर विषय नृशंस भाव गोमाता हत्या कर बाली बस्ता भली गोमाता चालाण हो कौन आमे आमर गोमाता सुरक्षा पाई किसी चिंता करवा ना जहाँकि विश्वर आवश्यकता विश्वपाई एक अभिन्न विश्वपाई एक श्रेष्ठ उपदेयता गोमाता रही कौन से गोमाता मानसिकता परिवर्तन करि परिबा नाही आमे आमर बर्थडे पाई जन्मदिन पाई मैरेज डे पाई कौन कर फुंकवा सहित थु मध्य जाए थुप मध्य जाए ताकू पालन कर लक्ष लक्ष टंका खर्च करमदिन को दिव्यानंद भगवत कृपा प्राप्त करार अच्छी जातु गोशाला को गोशाला उपस्थित हूँ गोमाता चारा दिंत गोमाता सेवा करतु गोमाता कृपा आशीर्वाद आपण मान प्राप्त हो पार जहाँ घरे वास्तुदोष रही केवल गोमाता रखु वास्तुदोष नष्ट जाए जार ग्रहदशा खंडन करार अच्छी गोमाता सेवा करतु ताद्वारा ग्रहदशा खंडन हो आज पर्यंत नूतन गृह प्रतिष्ठा करने समय प्रथम गोमाता से घर भितर को प्रवेश करा जाए था कहीं घरे रहा व्यक्ति मान शुभ हम मंगलमय हम गोमाता आम शरीर आत्मा गोमाता आम ठार जदि अलग हेल्ले विचार करा जाओ शरीरस्थ आत्मा जदि दुर्बित हम ताल शरीर मृत्युवत गोमाता संख्या एमती कमी कमी चलला आम को आउ किछि दिन गला परे चिड़ियाखाना को देखी जीवा पड़ो केमितिया गोमाता ना एमती था तेणु से समय न आसु आम समस्ते सचेतनता हवा आम समस्ते प्रयास करिबा गोमाता सेवा करिबा पाए और सुरक्षा नेबा पाए सत्यानंद सरस्वती महाराज हृदय व्यथा कथा जो दिन पर्यंत गो गंगा गायत्री सुरक्षा हो पारिना से दिन पर्यंत मनुष्य को शांति आनंद तृप्ति पाई पारे ना प्राप्त हो पारना आज साधु सम्मेलन रे उपस्थित होता संत महात्मा मानकर एक आह्वान जे प्रत्येक आम संकल्प करिबा गोमाता सुरक्षा हो गोमाता सेवा हो गोमाता प्रचार प्रसार हो जहाँ द्वारा गोमाता प्रति होता अन्याय अत्याचार दूरीभूत हम यही आशा ए विश्वास सहित मोर वक्तव्य को वाक्शक्ति को विश्राम करुची किसी कहार जदि किसी विचार त्रुटि थाए ताहले ज्ञानी गुणी श्रोता मंडली एवं शांत मंडली अधम को क्षमा प्रदान करेंगे एति कही वाक्शक्ति को विश्राम सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सद्गुरुदेव स्वामी सत्यानंद सरस्वती।